Hi students, and this is the second part of this story Magic Garden. We will continue from here. Now the sun said, I will help you also, for nothing pleases me better than to see the children running about in the golden सनसाइन, यानी ये जो सन है वो फ्लावर्स जब बातें कर रहे कि हमें भी रेडी होना है, हमें अपने ड्रेसेस प्रिटी बनानी है, तब ये सन जो ऊपर से सुन रहा है, सन मीन्स सूर्य, वो सुन रहा है ऊपर से और वो भी फ्लावर्स को सपोर्ट करता है कि आई विल हेल्प यू ऑल्सो, यानी मैं भी आपको हेल्प करूंगा आपके ड्रेसेस प्रिटी बनाने में. अभी सन कैसे हेल्प कर सकता है, तो सन जो अपना सनलाइट है वो अच्छी तरह से फ्लावर्स पे गिराएगा तो फ्लावर्स एकदम अच्छे से निखर उठेंगे. द फॉर नथिंग प्लीजिस मी, अभी सन को क्यों बच्चे पसंद है तो वो बताता है कि फॉर नथिंग प्लीजिस मी, यानी प्लीजिस यानी मुझे कोई भी बात इतनी खुश, प्लीजिस मीन्स खुश, खुशी देना, खुश नहीं करती है कि जब मैं देखता हूँ, टू सी द चिल्ड्रन यानी जो छोटे बच्चे है रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन, यानी गोल्डन, गोल्डन मीन्स सुनहरी धूप में जब बच्चे खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो वो जो सीन है वो मुझे बहुत ही पसंद है. इससे ज़्यादा और कोई बात मुझे खुश नहीं करती है, क्योंकि मुझे भी ये छोटे बच्चे बहुत पसंद है. सडनली द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग, अचानक क्या हुआ कि द चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे थे वो बाहर आ गए, और कैसे आए बाहर, द लाफिंग एंड सिंगिंग, हंसते हुए और गाते हुए. एंड द फ्लावर्स स्टॉप्ड देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम, तो फ्लावर्स जो थे वो बातें कर रहे थे, सॉन्ग्स गा रहे थे, तो उन्होंने वो बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया. एंड सॉन्ग्स टू लिसन टू देम, यानी उनके जो बच्चों को सुनना था उनको, सो दैट्स व्हाई दे स्टॉप्ड देयर सॉन्ग्स. ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर, साइड वन चाइल्ड, अभी एक बच्चा है ना वो बताता है, ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर, यानी जो सनफ्लावर तो देखो कितना ऊंचा है. एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, अभी ये सुन के तो सनफ्लावर तो एकदम खुश हो गया और उसने क्या किया, लिफ्टेड इट्स हेड, इट्स मीन्स उसका जो हेड है, उसका जो मस्तक है, उसने अपने अपना जो पेटल है वो उसने गर्व से, प्राउडली मीन्स एकदम गर्व से ऊंचा किया, लिफ्टेड मीन्स ऊंचा किया, बहुत ही खुश हो गया जब बच्चे ने उसके बारे में कुछ बताया. अनदर चाइल्ड सेड, अभी अनदर मीन्स दूसरे बच्चे ने बताया, आई लव द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस, मुझे तो सबसे ज्यादा मैरीगोल्ड ही पसंद है, क्योंकि उसका जो ड्रेस होता है ना मुझे बहुत पसंद है, गोल्डन, क्योंकि मैरीगोल्ड का कलर आप देखते हो कैसा होता है, गोल्डन टाइप का, सो दैट्स वाई द अनदर चाइल्ड लव द मैरी गोल्ड. द मैरी गोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, अभी ये सुन के मैरी गोल्ड भी एकदम खुश होके हंसने लगा. नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट पेज. इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन, इट वॉज इंडीड यानी ये गार्डन कैसा था, मैजिक, इंडीड मीन्स एक्चुअली खरेखर, बिकॉज इट हैड फेरीज टू, वाई दिस इज मैजिक गार्डन, बिकॉज इट हैड फेरीज टू, यानी यहाँ पे फेरीज, फेरीज मीन्स परियां भी थी, टू मीन्स भी, यहाँ पे परियां भी थी, दे डांस्ड एंड सेंग स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर, और ये जो परियां थी वो क्या करती थी, डांस करती थी और स्वीट सॉन्ग्स गाती थी जो चिल्ड्रन को ही सुनाई देते थे. आफ्टर अ टाइम द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन, आफ्टर अ टाइम इन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, द फेरीज, फेरीज आ गई, केम आउट बाहर आई, कैसे आई बाहर, डांसिंग एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन, जो बच्चों के साथ वो डांस करते करते और बातें करते करते वो बाहर आई. देयर ड्रेसेस वेर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन, उनके जो ड्रेसेस थे ना वो किसके बने हुए थे, मेड ऑफ यानी बने हुए थे फ्लावर्स के, और उनकी विंग्स, विंग्स यानी उनकी जो पंख थी वो परियों की होती है ना जिससे वो उड़ती है,
ऑफ सनशाइन, सनशाइन यानी सूर्य की धूप, उन दोनों से उसके जो ड्रेसेस वो बने हुए थे। हियर यू सी इन दिस पिक्चर, दिस इज फेरी। एंड नाउ द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट क्वाइट दैट नाइट, यानी दैट नाइट यानी रात हो गई और मैजिक गार्डन एकदम क्वाइट में शांत हो गया क्योंकि सब सो गए। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वेर अस्लीप एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स, जो फ्लावर्स और बर्ड्स थे ना जो बातें कर रहे थे, वो वेर अस्लीप, वो सब सो गए और ड्रीम सपना देखने लगे कि नेक्स्ट डे जब बच्चे आएंगे, हमें वाटर देंगे, हमें खाना देंगे, तो इस तरह से हम एंजॉय करेंगे। तो इस तरह से वो सब बच्चों का सपना देख के वो सब सो गए और मैजिक गार्डन एकदम क्वाइट हो गया। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ मैजिक गार्डन एंड इट इज अडेप्टेड फ्रॉम द फेरी गार्डन बाय मार्गरेट एच बोल्टन। द राइटर ऑफ द स्टोरी इज मार्गरेट एच बोल्टन एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द फेरी गार्डन। सो दिस इज द होल स्टोरी, आई होप यू अंडरस्टूड इट एंड I hope you read it very well. Thank you.